22 से 30 साल ये समय ऐसा होता है जहां पर आप अपने काबिलियत का प्रूफ देते हैं, आप अपने काबिलियत को साबित करते हैं, अपने टैलेंट को प्रूफ करते हैं। इसीलिए एक बात याद रखिएगा, हुनर तो इस धरती पर सभी के अंदर होता है, बस फर्क इतना होता है ना कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कामचोर होते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, कि उनके अंदर टैलेंट होने के बाद भी वो मेहनत ना करने से डरते हैं और क्या करते हैं, अपने टैलेंट का गला घोट देते हैं। तो ऐसा काम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये आप सोचिएगा। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। पहली बात, जो दो दिन से बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है, भैया त्रिकोणमिति का 7वां पार्ट आप अपलोड कब कीजिएगा? तो ये 7वां पार्ट और 8वां पार्ट, हो सके दोनों के दोनों पार्ट आपको कल मिल जाएगा, ठीक है ना, इसी चैनल पर। बाकी मैथ का क्लास जो है वो आपका शाम को 6 बजे अपने टाइमिंग पर चलेगा, वो भी लाइव क्लास, और इसका पूरा पीडीएफ, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टेलीग्राम से आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाए। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है सक्सेस की 98, आप अपने फोन के ऊपर कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर 349 वाला पैकेज बाई करेंगे तो 1 साल का वैलिडिटी आपको मिलेगा, ताकि 1 साल तक आने वाले हर एग्जाम का, रेलवे, SSC, बैंक का, हर एग्जाम का 20 से 25 सेट दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम से पहले उस एग्जाम में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो आप जज कर पाओ। और हर एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप सभी दे पाएंगे। और आज कवर करेंगे 5 मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकलकर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध के लिए मृत्यु दंड को जो है वो समाप्त कर दिया है? यानी अगर मान लो जितने भी माइनर है, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसका जो पहले दंड था वो मृत्यु दंड था, लेकिन यानी वो डेथ प्लांटी था, ठीक है, लेकिन अब वो हटा दिया गया है, किस कंट्री से? तो सऊदी अरेबिया से, ऑप्शन नंबर आपका सी। यहाँ के इस देश का जो नियम है ना, जो लॉ है ना, वो बहुत कड़ा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री। अब इसके बारे में कभी पढ़ना, थोड़ा बहुत महिलाओं को लेकर, बच्चों के लेकर बहुत कड़ा नियम कानून है इस देश में, ठीक है। और सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है तो आप सभी को पता है, रियाद। अगर बात करूं मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं तो सऊदी रियाल। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद, वहां के राष्ट्रपति का नाम है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग इसके 11वें सत्र की मेजबानी कौन सी कंट्री यानी कौन सा राष्ट्र करने वाला है? और ये करने वाला है आपका जर्मनी, ऑप्शन नंबर आपका सी। और जर्मनी का राजधानी क्या है तो आप बोलेंगे बर्लिन राजधानी है। मुद्रा, तो मुद्रा इस्तेमाल होता है आपका यूरो। और राष्ट्रपति कौन है जर्मनी का, तो वो है आपका फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य ने COVID-19 का मुकाबला करने के लिए, धन जुटाने के लिए, अपने राज्य के कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के लिए अध्यादेश जारी किया है? ये तो आप सभी को पता है, केंद्र सरकार अपने जितने भी केंद्र कर्मचारी हैं उनके जुलाई 2021 तक उनको DA नहीं देगी, उनके तनख्वाह से भी पैसा काटा गया है। सेंट्रल कर्मचारी मतलब कोई भी आर्मी के जवान, सबको, सबका DA बंद कर दिया गया जुलाई 2021 तक केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन ये आप तो याद रखिएगा ही रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2021 तक अपने केंद्र कर्मचारी का DA जो है वो नहीं दिया जाएगा। यहां पर बोल रहा है कि COVID-19 से मुकाबला करने के लिए कहां के राज्य ने वहां के कर्मचारियों की वेतन में कटौती करने का एक जो है आप सभी को ऑर्डिनेंस लेकर आया गया है, किस राज्य के द्वारा, तो केरल के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। और केरल के बारे में क्या बात करूं, सभी को पता है मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल क्या है तो वो है आपका त्रिवेंद्रमपुरम। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है।
और ये किसने किया है, तो यह किया है आपका रसिया यानी कि रूस ने। चेयरमैन सब किसने किया है इस बार, तो रसिया ने। अच्छा पहले आप आंसर तो आप सभी ने सुन लिया, पहले आप सुनो ब्रिक्स के बारे में जो एग्जाम में अक्सर आप सभी से पूछा जाता है। ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन है? केबी कामत, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? तो जून 2006 में। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है आपका शंघाई जो आपका चाइना में पड़ता है। एक बात और, ब्रिक्स में कौन कौन कंट्री आता है भाई? तो ब्रिक्स से बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से कौन भैया? एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 2010 में ब्रिक्स में शामिल किया गया था। एग्जाम में काफी बार यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि ब्रिक्स जो संगठन है उसमें साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया था, तो आप क्या बोलेंगे? 2010 में। इंपॉर्टेंट, हालांकि जब मैं जीके का क्लास शाम को 4 बजे आप सभी को करवाता था वहां पर मैंने बहुत कुछ आपको क्लियर किया है टॉपिक वाइज। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को, यहां पर आप पहले क्वेश्चन समझ लो, एक क्रिकेटर है पाकिस्तान का जिनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। वहां पर जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है ना, घरेलू T20 लीग, उसमें इन्होंने जो है क्या किया था, वहां पर रूल को बहुत ज्यादा तोड़ा था, रूल्स एंड रेगुलेशन को, और करप्ट पाए गए थे, जिसके वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है PCB, उन्होंने इनके ऊपर 3 साल का बैन लगा दिया है। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप फोटो देखकर समझ गए होंगे भैया ये तो उमर अकमल है, ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के कामरान अकमल के भाई, और ये भी शानदार बैट्समैन थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हिजबुल्ला पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसे आतंकवादी संगठन नामित किया है? ये जो हिजबुल्ला है ना, यह एक संगठन है और इस पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है किस कंट्री के द्वारा? और एक बात, जिस कंट्री ने ये घोषित किया है ना, उस कंट्री का नाम है आपका जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका और इसराइल के बहुत फोर्स करने के बाद जर्मनी ने यह फैसला लिया है कि हिजबुल्ला संगठन को आतंकवादी संगठन जो है वो घोषित कर दिया गया जर्मनी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसके पहले तो आपको एक चीज और बताना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय किसके पास है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है वो स्मृति ईरानी के पास है। इसके नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है आपका क्या, अजय तिर्की, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2020 का न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार की घोषणा के दौरान सर रिचर्ड हेडली, बहुत ही शानदार गेंदबाज विश्वभर के, रिचर्ड हेडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है, आपको यह बताना है। फोटो में कौन है? रॉस टेलर, ऑप्शन नंबर आपका सी, रॉस टेलर। अभी ये इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं और बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के। और न्यूजीलैंड के बात चली है तो पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, 2 दिन पहले मैंने आपको करवाया एक क्वेश्चन, आप सभी को कमेंट कर यह बताना है कि न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री यानी PM प्लस वहां का मुद्रा करेंसी प्लस वहां कैपिटल राजधानी क्या है। तो 3 चीज आपको न्यूजीलैंड के बारे में कमेंट कर बताना है, प्रधानमंत्री, मुद्रा और राजधानी। तो और एक बात, रिचर्ड हेडली पदक खिताब से किस सम्मानित किया गया है, तो रॉस टेलर को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह में 2020 में पुरुषों की एक दिवसीय खिलाड़ी का नाम किसे दिया गया है, यानी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का टैग किसे दिया गया है न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट सम्मेलन हुआ था 2020 का, उसमें तो न्यूजीलैंड के कैप्टन और बहुत शानदार खिलाड़ी स्वभाव से भी और अपने खेल से भी, क्या नाम है, केन विलियमसन, इनको सभी जानते होंगे, IPL में हैदराबाद से ये खेलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में कौन सा देश जो है वो टॉप पर है। पहले इंडिया एक नंबर पर थी आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में, लेकिन उसको पीछे छोड़कर अभी यह कंट्री जो है वो एक पर हो गई है। उनका नाम आपको बताना है, वो कौन सा कंट्री है। तो वो कंट्री है आपका ऑस्ट्रेलिया। साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, यहां पर बात चल रहा टेस्ट टीम का, तो क्रिकेट में तीन फॉर्मेट होता है, आप सभी को पता है ना, एक टेस्ट, वनडे और टी20। तो टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया तो एक पर है ही, टी20 में भी ऑस्ट्रेलिया एक पर है, यानी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम प्लस टी20 दोनों में एक नंबर पर कौन सी कंट्री है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया वनडे में कौन है, तो वनडे में जो एक नंबर पर कंट्री है वो है आपका इंग्लैंड। ठीक है, वनडे में एक नंबर पर इंग्लैंड और टी20 और टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल आपका कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया का, स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीआई टैग का, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन रहा था भौगोलिक संकेत को लेकर, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केसर की खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यानी भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग किसे दिया गया है केसर की खेती के मामले में। तो यह टैग दिया गया है आपका कश्मीर सैफ्रॉन को, कश्मीरी से केसर को, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भौगोलिक संकेत से क्वेश्चन एग्जाम में हाल फिलहाल के बहुत ज्यादा बन रहा था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी करने के लिए कौन सा देश अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह, उपग्रह का नाम तो पहले आप याद रखना, आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, कौन सा कंट्री है बताओ आप सभी। तो वो कंट्री है आपका रसिया, ऑप्शन नंबर आपका सी, और रसिया के प्रधान और राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन, सभी को पता है ना व्लादिमीर पुतिन, और मुद्रा तो रशियन रबल भैया यहां पर इस्तेमाल करते हैं, और राजधानी तो मॉस्को। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब का, ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कब का, तो 5 मई का। इसका पूरा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और शाम को 6 बजे आप सभी से मुलाकात होगी उस क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, पक्का पूछ लिया जाता है कोई भी एग्जाम हो। तो शाम को मिलते हैं आप सभी के साथ 6 बजे मैथ के लाजवाब क्लास के साथ, लाइव क्लास, टाइमिंग याद रखिएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।